मेरे लिए तो वो एंजल बन के आ गया था। मुझे नहीं पता वो किस रिलीजन का था। मेरे लिए तो वो एक बहुत अच्छा इंसान था। हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीबा। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ हिंदू मुस्लिम टॉपिक। क्या आप भी अपने बच्चों को हिंदू मुस्लिम बता रहे हैं? हमारा रिलीजन अलग अलग है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हम अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है। मगर उससे पहले तो हम इंसान हैं ना। अभी क्या हुआ, मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मा मेरा जो फ्रेंड है उसके फादर दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करा देंगे इस बार। तो मैंने कहा कि अच्छा क्यों? तो कहने लगे पता नहीं उनको कुछ प्रॉब्लम है स्कूल से, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे स्कूल से, तो वो दूसरे स्कूल में करा देंगे। अच्छा, तो उसको बहुत बुरी लगी थी क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, और फ्रेंड्स बनेंगे तो उसे फ्रेंड्स बनाना। उसके बाद चार पांच दिन बाद आकर मुझसे कहता है मम्मा मम्मा वो बहुत हैप्पी था। बोले मम्मा उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं होगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले उसके पापा ने ना सारी चीज़ें पता की और वो कह रहा था कि मेरे पापा कह रहे थे कि जिस स्कूल में मैं तुम्हारा एडमिशन कराना चाहता हूँ वहाँ मुस्लिम बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ तुम्हारा एडमिशन नहीं कराऊँगा। तो वो मुझसे कहने लगा मम्मा क्यों नहीं कराएंगे क्या? मैंने तो खैर उसे समझा दिया मुझे जो समझाना था। आई होप कि वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे और इससे वो कुछ समझ पाएंगे। हम हमारे बच्चे को बचपन से इतनी गंदी चीज सिखा रहे, हिंदू मुस्लिम कास्ट रिलीजन क्यों? जैसे कि पीके फिल्म में एक डायलॉग है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोई ठप्पा तो नहीं होता उसके ऊपर। हिंदू क्या बच्चा पैदा हुआ तो हिंदू है, मुस्लिम क्या बच्चा पैदा हुआ तो मुस्लिम है, जिस रिलीजन में बच्चा पैदा हुआ वो है। ऊपर से भगवान या अल्लाह को ठप्पा लगा के तो नहीं भेजता ना कि नहीं ये बच्चा हिंदू है ये बच्चा मुस्लिम है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हॉस्पिटल में बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं। कई बार सुना गया है आपको किसका बच्चा मिला, किस रिलीजन के इंसान का बच्चा मिला आपको नहीं पता। आप उसे अपना बच्चा समझकर हिंदू बनाकर या मुस्लिम बनाकर या सिख बनाकर पाल रहे हैं, आपने उसका नाम रख दिया उसी तरह। ठीक है, ये दुनिया की बनाई हुई चीज़ें ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक इंसान है। खुदा न खास्ता मेरे या आपके बच्चे का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और कोई हिंदू बच्चा है या मुस्लिम बच्चा है, उससे ऑपोजिट कास्ट वाला इंसान आके पहले ये तो नहीं पूछेगा ना कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, उसे तो पहले फर्स्ट एड देगा। मेरे लिए तो वो इंसान ही बेस्ट है ना जो मेरे बच्चे को फर्स्ट एड देगा, जो मेरे बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाएगा। मैं उसकी कास्ट और रिलीजन थोड़ी ना देखूंगी। अभी मेरे एक रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ, उनको जिस इंसान ने फर्स्ट एड दिलवाया, जो उन्हें हॉस्पिटल उठा के ले गया, अगर थोड़ी देर और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इवन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी 48 आवर्स डॉक्टर कुछ नहीं कह पाया था, इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था उनका पूरा, मतलब ये सारी चीज़ फट गई थी। उन्हें जिसने हॉस्पिटल पहुंचाया वो हिंदू था, हिंदू पंडित था। मेरे लिए तो वो एंजल बन के आ गया था, मेरे लिए तो वो फरिश्ता था। मुझे नहीं पता वो किस रिलीजन का था। मेरे लिए तो वो एक बहुत अच्छा इंसान था। हम हमारे बच्चे को ये सब ना सिखाएं तो ही बेहतर है। बाहर दुनिया बहुत गंदगी देने वाली है, बहुत निगेटिविटी देने वाली है। हम अपने घर से क्यों सिखा रहे हैं ये सारी चीजें कि बेटा तुम हिंदू हो, मुस्लिम से ना बोलो। मुस्लिम कहता है कि वो हिंदू है, वो बहुत खराब है, हिंदू से ना बोलो, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले एक इंसान है। हाँ, हमारी फैमिली ने, हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया है कि हिंदू हो तो तुम्हें पूजा करनी है, मुस्लिम हो तो तुम्हें नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, वो हम चीज़ें फॉलो कर। और उससे पहले हम एक इंसान है। मुझे नहीं लगता किसी भी किताब में, गीता में, कुरान में, बाइबल में ये लिखा होगा कि दूसरे धर्म को बुरा कहो या दूसरे धर्म के इंसान से ना बोलो। हम खुद ये सारी चीज़ें, ये सारी गंदगी फैलाते हैं और ये सारी गंदगी सोचते हैं। हम खुद ये गंदगी कर रहे हैं और यही सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को दे रहे हैं जिसके साथ वो बड़े हो रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी रिलीजन का ये चीज़ें मत सिखो। मुझे तो वो लेसन ही बहुत ख़राब लगता है जो रिलीजन पे होता है कि नहीं बेटा हम मुस्लिम हैं, हम ईद बकरीद मनाते हैं, वो हिंदू हैं होली दिवाली मनाते हैं, वो क्रिश्चियन हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। मुझे तो वो लेसन ही नहीं अच्छा लगता बच्चे को पढ़ाना। पर क्योंकि ये कोर्स है, हमें बच्चे को बताना है तो बताना है, पर आपको बच्चे को ये बताना है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करने से पहले, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले, हम एक इंसान हैं। और वही इंसान अच्छा इंसान है जो दूसरे इंसान के काम है, जो दूसरे इंसान को इंसान समझे। ये नहीं कि नौकर है तो उसको गंदी तरह से बात की और मालिक है तो अच्छी तरह से बात कर रहा है।
हम एक इंसान हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान ही इंसान की हेल्प कर सकता है। आपके रिलेटिव्स बाद में आएंगे, पहले आपके नेबर्स आते हैं, पहले जहाँ पर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो पहले वहाँ के लोग आपके काम आते हैं। वो लोग कास्ट पूछ कर और रिलीजन पूछ कर अगर हेल्प करने लगे ना तो दुनिया में हजारों लोग ऐसे ही मिल जाएंगे। ये चीज हमेशा याद रखिए। बच्चों को हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मत सिखाइए, बच्चों को सिखाइए सबसे फ्रेंडशिप करो, गंदी चीजों से दूर रहो। दैट्स इट। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो इसे सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। दैट्स इट फॉर माय वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग।